18 जुलाई 2023 को देश के 64 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ने दो टीम्स चुन लिए थे। 26 ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज ने बेंगलुरु में एक साथ मिलकर एक कोएलिशन अलायंस फॉर्म किया, इंडिया, जिसका नाम दिया गया, जिसका मकसद सिर्फ एक था, आने वाले इलेक्शंस में पीएम मोदी को किसी भी हाल में जीतने नहीं देना। लेकिन उसी दिन दिल्ली में करंट कोएलिशन गवर्नमेंट एनडीए के भी 38 मेंबर्स की मीट हुई थी, जिसका मकसद भी सिर्फ एक था, 2024 में होने वाले जनरल इलेक्शंस में किसी भी हालत में पीएम मोदी को वापस से जिताना। और अब फ्रेंड्स, हम इस सिचुएशन में हैं जिसमें आपको क्या लगता है, क्या ये इंडिया अलायंस मोदी गवर्नमेंट को गिराकर खुद की गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश कर पाएगा? और अगर हां, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? क्योंकि इंडिया अलायंस के मेजर प्लेयर कांग्रेस ने तो 18 जुलाई के मीटिंग में ही वेरी सरप्राइजिंगली डिक्लेयर कर दिया कि उनकी पार्टी में से कोई भी कैंडिडेट पीएम बनने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो फिर नेचुरली यहां पर ये सवाल आता है कि बाकी के 25 पार्टीज में से पीएम कैंडिडेट आखिर कौन बनेगा, क्योंकि इस अलायंस में 7 सीएम्स हैं, जिसमें से भी ये तीनों के पीएम बनने के एम्बिशन को उनकी पार्टीज ओपनली एक्सप्रेस भी कर चुकी है। बट रुको फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो काफी लंबा होने वाला है, क्योंकि हम काफी डिटेल में ये पूरे के पूरे मामले को कवर करेंगे कि क्या इंडिया जीत भी पाएगी क्या ऑन द फर्स्ट प्लेस। बट उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं वो तीन मेजर रीजन से जिनके वजह से ये 26 ऑपोजिशन पार्टीज मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट आ चुकी है। सो बात ये है ना, पहले यानी कि 2019 के जनरल इलेक्शंस में बीजेपी के 37% वोट शेयर्स थे, यानी कि बाकी के 63% वोट्स बीजेपी के अगेंस्ट गए। सो ऑपोजिशन का ये मानना है कि अगर वो सब साथ मिलकर इन वोट्स को अपने साइड पर ले पाए तो वो बीजेपी लेड गवर्नमेंट को आसानी से हरा सकते। दूसरी वजह ये है कि उनका कहना कुछ ऐसा है कि 23 मार्च 2023 को हुए राहुल गांधी के लोकसभा से डिस्क्वालिफिकेशन इनवैलिड है, और इसीलिए ये सारे पार्टीज एक होकर इस निर्णय के विरुद्ध में खड़े हुए हैं। और तीसरा रीजन है दिल्ली सर्विस बिल। ये लॉ बेसिकली लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली में ऑफिसर्स यानी ब्यूरोक्रेट्स के ट्रांसफर का पावर देता है, जो नॉर्मली किसी भी स्टेट के सीएम के पास होती है, यानी कि सीएम से पावर लेकर ब्यूरोक्रेट्स को दे दिया जाए, वो ब्यूरोक्रेट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं। यानी कि आसान शब्दों में इसका मतलब हुआ कि आम आदमी पार्टी की सरकार के हाथ से कुछ पावर्स चले जाएंगे बीजेपी के पास। लेकिन फिलहाल इस नए अलायंस इंडिया की अगर बात करें तो ये बिल्कुल 2004 में बनी यूपीए का ही अगर देखा जाए तो दूसरा नाम है, थोड़ा ज्यादा पेट्रियोटिक नाम। और यूपीए के बारे में तो आप सभी जानते हो, 2004 से लेकर 2014 तक उनकी गवर्नमेंट थी। इनफैक्ट ये अलायंस 2019 के जनरल इलेक्शन में भी साथ था, मगर इस बार शायद 2024 के जनरल इलेक्शन के लिए उनके कुछ और प्लान भी है, जिसकी शुरुआत 23 जून 2023 को पटना से हुई, जहां पर पहले 15 पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर 7 चुनाव लड़ने का फैसला किया, और फिर इसके बाद इसकी दूसरी मीटिंग हुई 18 जुलाई 2023 को बेंगलुरु शहर में, जब कोएलिशन का फाइनल नाम इंडिया डिसाइड किया गया। और अब इनकी तीसरी मीट 25-26 अगस्त को मुंबई में लाइंड अप है। सो ओवरऑल अगर इस कोएलिशन के लास्ट मीट जो कि 18 जुलाई को हुआ था को अगर देखें तो इसमें 7 प्रेजेंट सीएम्स के साथ मेजर रीजनल पार्टीज के फॉर्मर सीएम्स, एमएलएस और मेजर ऑपोजिशन लीडर्स भी मौजूद थे, जिन्होंने बाय द वे ये फैसला भी लिया कि वो अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए दिल्ली में एक स्पेशल सेक्रेटेरिएट ऑफिस सेटअप करेंगे, जहां पर 11 मेंबर्स की कमेटी इस कोएलिशन के सारे जरूरी फैसले लेगी। इनफैक्ट उसी मीट में उन्होंने अपने कोएलिशन के 3 रेजोल्यूशंस भी प्रेजेंट किए। पहला, कास्ट सेंसस। देखो बात कुछ ऐसी है ना, अब तक जितने भी बार नेशनल सेंसस हुए हैं उनमें एससीज और एसटीज के ही पॉपुलेशन नंबर रिलीज किए जाते हैं, तो ऑपोजिशन की ये डिमांड है कि ओबीसीज और बाकी कास्ट के भी नंबर्स उनमें स्पेसिफाइड हो, जिससे पॉलिसीज बनाने में और सही गवर्नेंस में क्लैरिटी आएगी। दूसरा रेजोल्यूशन है नॉन बीजेपी स्टेट्स में गवर्नर और एलजीज के पावर के मिसयूज को रोकना। देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि स्टेट गवर्नर्स को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर काम करना चाहिए, लेकिन ऑपोजिशन का ये आरोप है कि नॉन बीजेपी स्टेट्स में गवर्नर्स का रोल काफी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। एग्जाम्पल के लिए तमिलनाडु के गवर्नर एन रवि ने स्टेट असेंबली से पास 13 बिल्स को अब तक अप्रूवल नहीं दिया, और इनमें से तो कुछ बिल्स 3 साल से पेंडिंग चल रहे हैं। और ये सिर्फ एक नॉन बीजेपी स्टेट की कहानी नहीं है, केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान पर भी कुछ सिमिलर एलिगेशन ही लगे हुए, एंड हेंस दिस सेकंड रेजोल्यूशन। थर्ड रेजोल्यूशन है सेंट्रल एजेंसीज, इसकी सीबीआई, ईडी एटसेट्रा का ऑपोजिशन लीडर्स पर मिसयूज रोकना। ऑपोजिशन पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट को खुद ये कहा कि सेंट्रल एजेंसीज के 95% इन्वेस्टिगेशंस ऑपोजिशन लीडर्स पर ही हो रहे हैं, सो डेफिनेटली यहां पर एक टारगेटेड अप्रोच है। सो इन तीनों रेजोल्यूशन को लेकर ऑपोजिशन कोएलिशन अपने इलेक्शन कैंपेन को रन करने वाले, लेकिन क्या इससे वो अपने विजन
यानी कि मोदी जी को फिर एक बार पीएम बनने से रोकने में सफल हो पाएंगे क्या? अब फ्रेंड्स, इसे समझने के लिए ना चलो दोनों अलायंसेस एनडीए और इंडिया के स्ट्रेंथ पर जरा नजर डालते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया अलायंस के प्रोज की। नंबर वन, इंडिया कोएलिशन के लिए पहला पॉजिटिव एस्पेक्ट है खुद का नाम। द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल के अनुसार ऑपोजिशन का इंडिया ये नाम बीजेपी के नेशनलिज्म को काउंटर करने के लिए रखा गया। प्रशांत किशोर एक पॉलिटिकल एनालिस्ट और इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट जो 2014 के जनरल इलेक्शंस में बीजेपी के ही साथ थे, उनका ये मानना है कि नेशनलिज्म ये बीजेपी और करंट गवर्नमेंट का हमेशा से एक बेसिक प्रिंसिपल रहा है और इसीलिए इस एडवांटेज को डगमगाने का काम हो सकता है इंडिया नाम का ये कोएलिशन सक्सेसफुली कर पाएगा और एक मेजर प्लस पॉइंट साबित हो। नंबर टू, कोएलिशन का दूसरा एडवांटेज हो सकता है उनके बढ़े हुए वोट शेयर्स। अब जैसे कि मैंने कहा, इंडिया कोएलिशन ही यूपीए था जिन्हें 2019 के इलेक्शंस में 27% वोट शेयर मिले थे, बट अब इसके रीब्रांडिंग के बाद कुछ और पार्टीज इस अलायंस में जुड़ी है जिससे इनका एस्टिमेटेड वोट शेयर करीब 37.5% हो गया। एंड नाउ आप ही सोचो 10% से वोट शेयर बढ़ना एक कितना बड़ा एडवांटेज हो सकता है। नंबर थ्री, उनका तीसरा प्रो हो सकता है भारत जोड़ो यात्रा। अगर हम सिर्फ कर्नाटका का ही एग्जांपल ले ले तो जिस 20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरी है उनमें से 15 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कांग्रेस की जीत हुई है और इसीलिए कई पॉलिटिकल एनालिस्ट का ये मानना है कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा कैंपेन का सीधा इफेक्ट कर्नाटका असेंबली इलेक्शन में दिखा है। अब ऑफकोर्स अगले साल होने वाले जनरल इलेक्शन में ये कितना गेम चेंजर साबित होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंडियन पॉलिटिक्स की हिस्ट्री में भी इन जनरल यात्रास का काफी इंपॉर्टेंस रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लाल कृष्ण अडवाणी की रथ यात्रा 1984 में बीजेपी के लोकसभा में सिर्फ 2 मेंबर्स थे और इसीलिए अपना डोमिनेंस बढ़ाने के लिए और लोगों से कनेक्ट करने के लिए 1990 में एलके अडवाणी ने सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक रथ यात्रा की थी जिसके रिजल्ट्स दिखे 1991 जनरल इलेक्शंस में जब बीजेपी के 2 सीट्स बढ़कर सीधे 120 हो गए थे। चौथा एडवांटेज इंडिया के लिए है उनके स्प्लिट ऑफ वोट्स। देखो बात कुछ ऐसी है ना कि कोएलिशन के एक बैनर के अंडर लड़ने से वोट स्प्लिट नहीं होंगे, यानी कि बीजेपी या एनडीए के अगेंस्ट आम आदमी पार्टी कांग्रेस टीएमसी एक्सेट्रा का एक सिंगल कैंडिडेट होगा। एग्जाम्पल के तौर पर 2022 में हुए गुजरात के लेजिस्लेटिव इलेक्शंस में बीजेपी कैंडिडेट को 61,090 वोट्स मिले थे और वहीं कांग्रेस कैंडिडेट को 55,847 वोट्स मिले, आम आदमी पार्टी कैंडिडेट को 4,164 वोट्स मिले और AIMIM कैंडिडेट को 1,771 वोट्स मिले। अब अगर इन तीनों पार्टीज का एक ही कैंडिडेट होता तो वो बीजेपी कैंडिडेट से 692 वोट्स से जीत जाता और कुछ इसी तरह आने वाले जनरल इलेक्शंस में ऑपोजिशन ने अगर एक कैंडिडेट खड़ा किया तो इलेक्शन बाइपोलर हो जाएगा जिससे चांसेस है कि वोट स्प्लिट होने का नुकसान ऑपोजिशन को ना हो। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स इंडिया कोएलिशन के कॉन्स की तरफ। सो हमने अब तक स्ट्रेंथ्स की सिर्फ बात की, लेकिन इंडिया कोएलिशन में आने की वजह से इन्हें क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। नंबर वन, उनका पहला डिसएडवांटेज होगा नो फेस फॉर पीएम। भले ही 25 पार्टीज ने एक साथ कोएलिशन बना लिया मगर उन्होंने अब तक पीएम फेस के लिए कोई सिंगल कैंडिडेट तो चुना ही नहीं है और ये इसीलिए क्योंकि इस कोएलिशन के मल्टीपल मेजर लीडर्स के पीएम बनने के पर्सनल एम्बिशंस हैं, जैसे ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, ये सारे सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो खुद को पीएम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। उसी के साथ उनके आपस में भी झगड़े हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल ने पहले कहा था कि सीबीआई अगर सोनिया गांधी को जेल में बंद कर दे तो सारे करप्ट लीडर्स के नाम पता चल जाएंगे। बंद कर दो एसीबी, अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किस ने रिश्वत ली और किस किस ने। और वैसे ही ममता बनर्जी ने अलायंस ज्वाइन करने के बस 6 दिन पहले बंगाल में हुए पंचायत इलेक्शन वायलेंस के लिए राम, बाम और शाम को जिम्मेदार ठहराया था जिसमें उनका मतलब था राम यानी कि बीजेपी, बाम यानी कि लेफ्ट और शाम यानी कि कांग्रेस। दूसरा कौन, ये है कि इनके बीच अलायंस होने के कुछ दिनों में ही ऑलरेडी एक रिफ्ट नजर आने भी लग गया है। सिर्फ नाम को ही लेकर कुछ मेंबर्स के हिसाब से इसका क्रेडिट ममता बनर्जी को जाता है तो वहीं कुछ इसका क्रेडिट राहुल गांधी को दे रहे हैं। उसी तरह कुछ सोर्सेस के अकॉर्डिंग सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी का कहना था कि इंडिया के नाम में अलायंस वर्ड नहीं आना चाहिए क्योंकि कई स्टेट्स में कोएलिशन मेंबर्स एक दूसरे के अगेंस्ट असेंबली चुनाव लड़ते हैं, जैसे कि केरला में सीपीआई वर्सेस कांग्रेस, पंजाब में आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस और वेस्ट बंगाल में टीएमसी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस सीपीआई। अब आई नो छोटे मोटे मतभेद तो होते रहते हैं लेकिन ये बयान इन लोगों ने मीडिया में आकर दिया है जिससे ये रिफ्ट्स पब्लिकली दिखने लगे। नंबर थ्री,
इस कोएलिशन का तीसरा कौन है प्रॉब्लम विद कांग्रेस। देखो कांग्रेस इंडिया कोएलिशन की सबसे मेजर पार्टी है और इसीलिए उनके प्रॉब्लम्स इनडायरेक्टली कोएलिशन को भी इंपैक्ट करेंगे। गुलाम नबी आजाद जो कश्मीर के एक्स सीएम और कांग्रेस के एक सीनियर लीडर थे, उनका कहना है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लीडरशिप में पिछले 8 सालों के अंदर कांग्रेस 49 में से 39 इलेक्शंस हार चुकी है और अब किसी भी स्ट्रॉन्ग रीजनल लीडरशिप का होना कितना इंपॉर्टेंट है ये हमने कर्नाटका इलेक्शंस में ही देखा है कि कैसे सिद्धारमैया और डी शिव कुमार के स्ट्रॉन्ग लोकल लीडरशिप के कारण कांग्रेस को वहां पर जीत मिली। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उस पार्टी का एक स्ट्रॉन्ग नेशनल लीडरशिप फेस हो जो शायद प्रियंका और राहुल गांधी हो सकते हैं क्या, ये अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। ऑल्सो रीजनली राजस्थान में अगर देखा जाए तो दो कांग्रेस लीडर सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच हमेशा अनबन बनी रहती है, यहां तक कि सचिन पायलट तो खुद अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी कर चुके हैं। एंड इवन दूसरे स्टेट्स में भी कांग्रेस की लीडरशिप को लेकर कोई अच्छे हालात नहीं है, जैसे कि मध्य प्रदेश जहां पर पार्टी के दोनों सीएम फेस कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों की एज 75+ है। नंबर 4 इनका चौथा कौन है चेंजिंग पार्टीज ऑफ पॉलिटिशियंस। बिहार के करंट सीएम नीतीश कुमार ने 2017 में कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर असेंबली इलेक्शन लड़ा था, मगर उनकी ये कोएलिशन सिर्फ 2 ही साल तक चली क्योंकि नीतीश कुमार अपने एलाइज का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए और 2020 में उनके साथ गवर्नमेंट बना ली। लेकिन यहाँ भी नीतीश कुमार ने 2 सालों बाद बैकआउट करके फिर से कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर 2022 में गवर्नमेंट बनाई। अब किसी भी कोएलिशन में एक पार्टी की इनस्टेबिलिटी पूरे कोएलिशन के लिए डेंजरस साबित हो सकती है। सो ये था पूरे इंडिया कोएलिशन का एक ओवरव्यू, मगर ये सक्सेसफुल रहेगा या नहीं इसके बारे में एक अंदाजा लगाने के लिए हमें इनके ऑपोजिशन यानी एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का भी एक ओवरव्यू लेना पड़ेगा। सो लेट्स जंप राइट इनटू इट। 1998 में बना एनडीए 14 पॉलिटिकल पार्टीज का कोएलिशन था जिन्होंने 1998 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी के अंडर गवर्नमेंट भी चलाई। फिर 2014 में इनके मेंबर्स की संख्या बढ़कर 30 हो गई जो अब 2023 में 38 हो गई है। उनके पिछले 25 साल के दौरान 3 मेजर फेसेस रहे हैं जिनके लीडरशिप के अंडर एनडीए ने इलेक्शंस लड़े, अटल बिहारी वाजपेयी जी, एलके अडवाणी जी और मोदी जी। और आज यही एनडीए कोएलिशन 28 में से 16 स्टेट्स की गवर्नमेंट चला रही है। इनका सबसे पहला एडवांटेज है इनके लीडर मोदी जी और गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी। सो चलिए थोड़ा विस्तार से इसे समझते हैं। प्रो नंबर 1, मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वे के अनुसार पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी दुनिया के सभी बड़े लीडर्स से काफी ज्यादा है। इंडिया टुडे के जनवरी 2023 में किए एक सर्वे के अनुसार एनडीए गवर्नमेंट की भी पॉपुलैरिटी पिछले 6 महीनों में 56% से बढ़कर 67% हो गई है। इससे ये तो समझ आता है कि लोगों में शायद बीजेपी और एनडीए गवर्नमेंट अभी फिलहाल काफी पॉपुलर है। नंबर 2, एनडीए का दूसरा और उनका सबसे पावरफुल प्लस पॉइंट है बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग। बेसिकली इसे समझने के लिए अगर आप महाराष्ट्र का एग्जांपल लो तो 2014 के स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन में बीजेपी को पहले से ही अपनी वीकनेस पता थी जो थी कि मराठा वोटर्स उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। ये देखते हुए तब के बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह ने एक नया फॉर्मूला अपनाया, स्टेट के बैकवर्ड और फॉरवर्ड और जनरल कास्ट पर फोकस किया, यानी कि मराठा जो स्टेट पॉपुलेशन का 30% है उन पर फोकस करने के बदले बीजेपी ने 200 दूसरे ओबीसीज पर फोकस किया जिनका पर कास्ट पॉपुलेशन 5% से भी कम था। अब 5% आपको सुनने में तो बहुत ही कम लग रहा होगा, लेकिन जब ऐसे छोटे परसेंटेजेस 200 कास्ट में मल्टीप्लाई होंगे तो ये काफी बड़ा नंबर बन जाता है। इसके अलावा जनरल कास्ट को अपने फेवर में करने के लिए बीजेपी ने एक ब्राह्मण देवेंद्र फडणवीस जी को सीएम बना दिया। बीजेपी की स्ट्रेटेजी को देखकर महाराष्ट्र के फेमस पॉलिटिकल साइंटिस्ट सुहास पलशिकर का कहना है कि 2014 के स्टेट इलेक्शंस ये प्रूफ करते हैं कि मराठा एलीट पार्टीज स्टेट पावर से बाहर हो चुकी है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सिर्फ एक स्टेट की कहानी नहीं है। फेमस पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रशांत झा ने अपनी बुक हाउ द बीजेपी विंस में ये रिवील किया है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र जैसी सोशल इंजीनियरिंग हरियाणा असेंबली इलेक्शन में भी की थी। यहां भी उन्हें ये अच्छी तरीके से पता था कि हरियाणा की डोमिनेटिंग कास्ट जट्स उनका साथ नहीं देंगे और इसीलिए उन्होंने नॉन जट्स यानी कि अपर कास्ट और दूसरे ओबीसीज जैसे कि यादव, गुज्जर और सैनीज के साथ दलित्स पर भी फोकस किया और एक नॉन जट मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा का सीएम बना दिया। लेकिन बीजेपी जट्स को पूरी तरीके से इग्नोर भी नहीं कर सकती थी और इसीलिए एक प्रोमिनेंट जट लीडर चौधरी बीरेंद्र सिंह को उन्होंने यूनियन कैबिनेट में
में जगह दे दी। इससे जितने भी कास्ट के लोग थे वो अपने कास्ट के लीडर्स को प्रोमिनेंट पोजीशन पर देखकर सैटिस्फाइड हो गए। नंबर 3, एनडीए का तीसरा प्रो है नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब अगर आप एनडीए के पूरे अलायंस को देखोगे ना तो उनका कोई मेजर फेस नहीं है जो पीएम के पोस्ट के लिए एम्बिशियस है और इसीलिए उनके अलायंस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने के चांसेस काफी कम है। और उनका यही कोऑपरेशन सिर्फ जनरल इलेक्शन में ही नहीं बल्कि कई सारे स्टेट्स में भी साफ दिखाई देता है जो अपने एलाइज के साथ मिलकर चला रहे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र और नॉर्थ ईस्ट के कई सारे स्टेट्स। बट फ्रेंड्स, इन तमाम फील गुड फैक्टर्स के बाद भी एनडीए अलायंसेस में भी कुछ मेजर वीकनेसेस है, तो आइए जरा नजर डालते हैं ये क्या वीकनेसेस है। कौन नंबर 1, डिपेंडेंसी ऑन मोदी। एनडीए अलायंस इंडिया कोएलिशन से कंपैरिजन में बड़ा तो है लेकिन एनडीए में एक ही बड़ी पार्टी है बीजेपी, जिसके फोरफ्रंट पर है पीएम मोदी जी, और इसीलिए ये जाहिर सी बात है कि पूरा एनडीए ही पीएम मोदी पर डिपेंडेंट है, और वो भी इतना ज्यादा कि स्टेट असेंबली इलेक्शन भी उन्हीं के नाम पर लड़ा जा रहा है, जिसका देखा जाए तो नुकसान भी होता है, जैसे कि वेस्ट बंगाल और कर्नाटका में। इन दोनों ही स्टेट इलेक्शंस में पीएम पर डिपेंडेंसी के कारण और एक स्ट्रॉन्ग स्टेट फेस नहीं होने के कारण एनडीए और बीजेपी ये चुनाव हार गई। कौन नंबर 2, वोट शेयर। देखो 2019 के जनरल इलेक्शन के बाद एनडीए के टोटल 353 थे जिनका वोट शेयर 45% था, लेकिन आज यही नंबर घटकर 332 हो गया है जिनके वोट शेयर्स 42.9% है। ये आंकड़ा गिरने का सबसे बड़ा रीजन है दो मेजर पार्टीज का कोएलिशन छोड़ना, यानी कि स्प्लिट होना, यानी स्प्लिट होने के पहले की शिवसेना और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड। नंबर 3, अब तीसरा कौन है, बीजेपी की गलतियां। बीजेपी ने ओवर द टाइम कुछ ऐसी गलतियां की है जो उन्हें अब जाके महंगी पड़ रही है, जैसे कि साउथ में हुआ उनके द्वारा मेजर ब्लंडर। 1999 में लोकसभा इलेक्शंस के दौरान डीएमके और बीजेपी का कोएलिशन था, लेकिन 2001 के तमिलनाडु स्टेट इलेक्शन में जयललिता की एआईएडीएमके ने स्टेट में डीएमके को हराकर सरकार बना ली। ये देखकर बीजेपी ने अपने अलाय डीएमके को इग्नोर करते हुए एआईएडीएमके के साथ बिहाइंड द कर्टन्स दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी। इससे ऑफ कोर्स डीएमके के पास ये कोएलिशन छोड़ने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, और 2004 के जनरल इलेक्शंस में डीएमके ने कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया और 39 में से 35 लोकसभा के सीट्स जीत लिए, जहां एआईएडीएमके और बीजेपी अलायंस को तो 0 सीट्स मिले थे, जिसका नुकसान ऐसा हुआ कि इस इंसिडेंट को आज भले ही 10 साल हो गए हैं लेकिन बीजेपी अभी तक साउथ में अपने पैर नहीं जमा पाई, और इसीलिए ये था साउथ में बीजेपी का सबसे बड़ा ब्लंडर। वहीं पर बीजेपी की दूसरी गलती रही उनका सालों से चलते आ रहा डिस्कार्ड मॉडल। बेसिकली ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस हुए जहां पर बीजेपी ने अपने एलाय का साथ लेने के बाद उन्हें यूज करके बेसिकली भूल गए, जैसे कि अकाली दल जो एनडीए के सबसे ओल्डेस्ट मेंबर्स में से एक है। अब अकाली दल का मेजर होल्ड पंजाब में है लेकिन फिर भी फार्म बिल्स को इंट्रोड्यूस करने के पहले बीजेपी ने अकाली दल के मेंबर्स से कंसल्ट नहीं किया, जिसका नुकसान सबसे ज्यादा अकाली दल को ही हुआ, क्योंकि 2017 में जहां उनके 15 एमएलएस थे वहीं पर फार्म बिल्स के बाद उनके 2022 असेंबली इलेक्शन में सिर्फ 3 एमएलए ही बचे। कुछ उसी तरह उद्धव ठाकरे ने भी शिवसेना और बीजेपी के 25 साल पुराने अलायंस को तोड़ने का आरोप बीजेपी पर लगाया। सो इन गलतियों की वजह से हो सकता है एनडीए के मेंबर्स के बीच में रिफ्ट्स, जो आई एम श्योर कहीं ना कहीं ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, वो वाइडन होने लग जाए। फिर एनडीए का चौथा कौन है, एलाइज, जो पार्टी चेंज करते, जैसे कि ओम प्रकाश राजभर का एनडीए के साथ रिलेशन। सो ओम प्रकाश 2017 असेंबली इलेक्शन में बीजेपी के एलाय थे मगर 2022 यूपी असेंबली इलेक्शन के पहले उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गए। अब अपने एक्शन के पीछे का रीजन देते हुए राजभर जी ने कहा कि जब तक वो बीजेपी को यूपी से बाहर नहीं निकालेंगे तब तक वो चैन की सांस नहीं लेंगे। लेकिन अब उन्हीं ओम प्रकाश राजभर ने 16 जुलाई को एनडीए में फिर से शामिल होने का फैसला ले लिया। इससे ये बात तो साफ नजर आती है कि जख्म के ऊपर जितना चाहे बैंडेड लगा दो वो जख्म दोबारा कभी भी खुल सकता है, और इसी तरह बीजेपी और एनडीए अलायंस एज अ होल पर ये खतरा हमेशा रहेगा कि कुछ ऐसे लीडर्स बिल्कुल होंगे जो कभी भी पार्टी चेंज कर सकते हैं, जिससे कि अल्टीमेटली पूरे अलायंस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। एंड अब फ्रेंड्स, एनडीए का फिफ्थ और आखिरी कौन है, करप्ट लीडर्स। ऐसे कई सारे केसेस हुए हैं जहां पर बीजेपी ने पहले कुछ लीडर्स पर करप्शन के आरोप लगाए मगर बाद में उन्हीं को अपने पार्टी में लेकर सिग्निफिकेंट पोस्ट दे दिए, जैसे फॉर एग्जांपल मुकुल रॉय, सुवेंदु अधिकारी और सोवन चैटर्जी, जो वेस्ट बंगाल के सारदा चिटफंड स्कैम
और नारदा स्टिंग केसेस में एक्यूज थे, लेकिन अब ये तीनों बीजेपी पार्टी में सिग्निफिकेंट पोस्ट होल्ड करते हैं। और कुछ इसी तरह अजीत पवार का भी केस है, ईडी ने उन पर 1,000 करोड़ के एसेट्स का एलिगेशन लगाया था, एंड इनफैक्ट कई बार बीजेपी के कई स्पीकर्स ने भी अजीत पवार को करप्ट कहा है, मगर महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना गवर्नमेंट में उन्हें ही डेप्यूटी सीएम की पोस्ट दे दी गई है। और इससे फ्रेंड्स जाहिर सी बात है कोई भी वोटर इन लीडर्स को वोट करने से पहले ये सब कुछ कंसिडर करेगा, काफी सोचेगा। सो ये है पूरा मामला फ्रेंड्स। अब आपको दोनों साइड्स के प्रोज और कॉन्स के साथ साथ दोनों अलायंसेस का एक ओवरव्यू पता चल गया है। सो यहां पर अब मेन क्वेश्चन ये होगा कि क्या इंडिया अलायंस एनडीए के अगेंस्ट काम करेगी। वेल, अगर हम इसे एक पाई चार्ट के थ्रू समझे तो एनडीटीवी के मुताबिक टोटल 543 सीट्स में से 190 सीट्स ऐसे हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधे फाइट होगी, जैसे कि इंडिया के ये सारे स्टेट्स। यानी कि इन सीट्स के लिए ये दोनों भी पार्टीज अपने एलाइज पर निर्भर नहीं रह सकते, और 185 सीट्स ऐसे होंगे जहां पर बीजेपी की टक्कर इंडिया एलाइज और रीजनल पार्टीज के साथ होगी, जैसे कि यूपी में एसपी वर्सेस बीजेपी, वेस्ट बंगाल में टीएमसी वर्सेस बीजेपी, बिहार के कुछ जगहों पर जेडीयू प्लस आरजेडी वर्सेस बीजेपी, और महाराष्ट्र में एनसीपी प्लस यूबीटी वर्सेस बीजेपी। और वहीं पर 71 सीट्स ऐसे होंगे जहां पर कांग्रेस की लड़ाई एनडीए अलायंस के रीजनल पार्टीज के साथ होगी, जैसे पंजाब में कांग्रेस वर्सेस एसएडी, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में कांग्रेस वर्सेस एआईए डीएमके, और बिहार में कांग्रेस वर्सेस एलजेपी। और आखिर में 97 सीट्स ऐसे होंगे जिसमें दोनों भी साइड्स के रीजनल पार्टीज आपस में लड़ेंगे, जैसे बिहार में आरजेडी प्लस जेडीयू वर्सेस एलजेआर, महाराष्ट्र में यूबीटी वर्सेस एनसीपी, और तमिलनाडु में डीएमके वर्सेस एआईए डीएमके। अब इससे हम इलेक्शन का सिनेरियो कैसे होगा उसका एनालिसिस देख सकते हैं, जो भी एनडीटीवी ने ही खुद प्रेडिक्ट किया है। सो उनके प्रेडिक्शंस के अनुसार एनडीए को अगर पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी और स्कीम्स के कारण बीजेपी के प्रेजेंट वोट शेयर में से 5% और वोट मिलता है तो सिर्फ बीजेपी के ही सीट्स बढ़कर 342 हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली बात है कि एनडीए भी अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन अगर वहीं पर उनके वोटर बेस से 5% वोट्स कम हो जाते हैं तो सिर्फ बीजेपी के ही टोटल सीट्स घटकर 223 हो जाएंगे, जिसका भी ओवरऑल नुकसान एनडीए को ही होगा और इसका बेनिफिट इंडिया अलायंस को मिल जाएगा। ऑल्सो फ्रेंड्स, ओवरऑल हमें इन सारे चीजों से एक बात तो बिल्कुल पता चली है, हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। अब जिनको नहीं पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, तो 1975 की इमरजेंसी में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के अगेंस्ट ऐसा ही एक ऑपोजिशन का अलायंस बना था, जिसमें सोशलिस्ट लेफ्ट और राइट विंग वालों ने मिलकर जनता पार्टी अलायंस बनाया था और अगले इलेक्शन में कोएलिशन गवर्नमेंट तक फॉर्म कर ली थी, लेकिन आपसी मतभेदों के कारण वो कोएलिशन गवर्नमेंट सस्टेन नहीं कर पाई और इंदिरा गांधी फिर और ज्यादा सीट से पीएम बन गए। अब अगर देखा जाए तो इस सिचुएशन में इसके दो आउटकम्स हो सकते हैं। पहला कि अगर कोएलिशन गवर्नमेंट अपने एजेंडा यानी कि मोदी जी को अपने पद से हटाने में कामयाब भी होती है तो भी चांसेस काफी हाई है कि उसके आगे जो गवर्नमेंट बनेगी उसमें लीडर्स के अपने पर्सनल एम्बिशन को लेकर काफी रिफ्ट्स क्रिएट होने लगेंगे, और जैसा 1979 में हुआ था इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट के साथ कि ऑपोजिशन पार्टी जो उस समय जनता पार्टी थी वो हैंडल नहीं कर पाई और टूट गई और इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट दोबारा से और भी ज्यादा वोट से आ गई। तो उसी तरह बीजेपी भी हो सकता है कि दोबारा से आ जाए हारने के बाद भी, बिकॉज ये लोग हैंडल नहीं कर पाएंगे और गवर्नमेंट आगे जाके ब्रेक हो जाएगी। इसका दूसरा आउटकम ये हो सकता है कि 1979 में जनता पार्टी गवर्नमेंट गिरने के बाद उससे एक दूसरा बड़ा और इन्फ्लुएंशियल फैक्शन सेपरेट हुआ जो कि बाद में जाके बना भारतीय जनता पार्टी। तो शायद इस वक्त भी ऐसा बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है कि अगर इंडिया कोएलिशन फेल होती है तो उनमें से भी कोई एक पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल पार्टी सेपरेट जन्म ले। आपका क्या ख्याल है इस बारे में नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। लेकिन डिड यू नो फ्रेंड्स, जितना प्रेशर करंट गवर्नमेंट पर इलेक्शंस का और न्यूली फॉर्म्ड इंडिया अलायंस का पड़ रहा है, उतना ही प्रेशर फिलहाल रूलिंग गवर्नमेंट पर पड़ रहा है इंडिया के राइजिंग डेट का, विच हैज क्रॉस्ड अ वूपिंग 155 लाख करोड़। इंडिया रिसेंटली 3.75 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन तो गई है, लेकिन दूसरे तरफ ये डेट भी आसमान छू रहे। तो इस पूरे सिचुएशन की आखिर क्या सच्चाई है? वेल, इस टॉपिक पर मैंने एक डिटेल्ड एनालिसिस प्रेजेंट किया है जिसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको इंडिया की करंट फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। आपको मीडिया वगैरह की बातें सुनने की जरूरत नहीं है, हम खुद इस चीज को एनालाइज कर सकते हैं यहां पर। और अगर फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकना, गौरव ठाकुर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना करो। सी यू नेक्स्ट टाइम। एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।